फौजी भाई। हाँ फौजी भाई। हाँ क्या हुआ भाई, आवाज कैसे आ रही है? ओ क्या हो रहा है गाड़ी की छत पे? भाई लाइट चल। हाँ भाई मेरे को गाड़ी के ऊपर कुछ है यार। किसी ने यहाँ गोरी ने जादू टोना टोटका भी कर रखा है। फ्राई पैन है, चूल्हा है, टेबल है। ये कपड़े जो है सब मरे हुए लोगों के। तो आधा घंटा हमें हो गया है, हमारे चैलेंज स्टार्ट हुए 10 बजे। हमने चैलेंज स्टार्ट किया था कल सुबह मॉर्निंग में, 10 बजे खत्म करेंगे। तो आज हम इस जगह को बनाने वाले हैं गोवा बीच। ये जितनी भी आप लकड़ियां वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई देख रहे हैं, ये सब चिताओं की जो बची हुई लकड़ियां होती है वो है। अगर ये चीज ज्यादा परेशान करती है, नेगेटिव एनर्जी, ये भूत है, पक्का है भाई है। क्योंकि मेरे को ना अंदर से फीलिंग आ रही है। सर में, पूरा सर में दर्द हो रखा है मेरे, खुद हो रहा है ये नेक और ये सर पूरा। आंखों में जलन हो रही है, बड़ी मुश्किल से नींद आई है, बड़ी मुश्किल से सोया था मैं। चीयर्स। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से हम निकल चुके हैं कैंपिंग के लिए। और ये जो कैंपिंग होने वाली है ना, कुछ सारी कैंपिंगों से हटके होने वाली है। फिलहाल पहले सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ मैं फौजी भाई से, जो कि कैंपिंग पार्टनर है आज के। जय हिंद दोस्तों। और हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए दिस इज द वे जिस पे हम जा रहे हैं। और ये जा रहा है हमारा सीधे शमशान घाट। तो दोस्तों डर लगा ना आपको शमशान घाट का नाम सुन के, बट हमें नहीं लग रहा। हम पूरी रात आज एक चैलेंज करने वाले हैं, ओवरनाइट स्टे करने वाले हैं शमशान घाट में। क्यों फौजी भाई? सही, बिल्कुल। और उसके लिए हम पूरी प्रिपरेशन करके आए हैं। तो दोस्तों आज हम बिताने वाले 12 घंटे अपनी गाड़ी के अंदर, वो भी शमशान घाट के अंदर। और शमशान घाट में जैसे कि आप जानते हैं कि रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, भयानक सी सीन्स क्रिएट होते हैं। बहुत ही डेंजर घाट है ये। यहाँ लोगों को रात को अगर कुछ लोग लेट आ जाते हैं यहाँ, तो उन्हें यहाँ पे कोई साया दिखाई देता है जो उनके पीछे भागते हैं, उन्हें धक्का भी दे देता है। क्योंकि फौजी भाई को ये इतना अच्छे से इसलिए पता है क्योंकि ये लोकल है यहाँ के। और हम जो अभी हैं विदुर कुटी, ये जगह का नाम है। यहीं पे शमशान घाट भी है और ये गंगा किनारे पे शमशान घाट बना हुआ है। अगर किसी को सर्च करना है तो विकिपीडिया पे विदुर कुटी के बारे में जान सकते हैं, वहाँ पे गूगल पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसकी। तो दोस्तों चलते हैं जल्दी से लोकेशन पे और दिखाते हैं आज कैसी भयानक लोकेशन होने वाली है। अभी सनसेट होने वाला है और आप सामने जो देख रहे हैं ना, ये पूरा गंगा का किनारा है। नहीं अड़ेगी नहीं, निकालो। ये देखिए हम कैसे रस्तों पे जा रहे हैं, और ऐसे रस्तों पे कोई साइकिल नहीं चला सकता। हम यहाँ पे गाड़ी उतार रहे हैं, ये देखिए इस साइड से लेना, इस साइड से गड्ढे में उतारना। हाँ ये देखिए दोस्तों, पूरा जो है वीरान एरिया है और गंगा का किनारा, ये पूरा घाट गंगा के किनारे पर है। आप देख सकते हैं फिलहाल हम जा रहे हैं इसी रस्ते से होते हुए, हम जाएंगे शमशान घाट। तो चलिए जल्दी से पहुंचते शमशान घाट, फिर वहां पर आपको दिखाते हैं कि हम कैसे अपना सेटअप करेंगे आज। सामने आपको एक बस दिख रही होगी और वो बस पे से अभी कुछ लोग उतरे हैं, तो शायद वहां पे कोई अभी मुर्दे को लेके आया है जलाने के लिए। तो दोस्तों हम थोड़ा सा पास नहीं जा रहे, हमने गाड़ी उससे करीब करीब 100 मीटर दूर खड़ी कर ली है। आप ये देखिए, ये जो है ये बस है, सामने आप देख रहे होंगे, और यहीं पे मुर्दे को जलाया जाता है। अभी हम शमशान घाट पर पहुंच चुके हैं, तो एक बार आपको उतर के लोकेशन भी दिखा देते हैं थोड़ी सी। देखिए दोस्तों अभी वहाँ पे किसी मुर्दे को जलाया जा रहा है, तो हम उस जगह पे नहीं जाएंगे, लेकिन जब जला लेंगे और रात होने वाली होगी तो हम उस जगह पे जाके अपनी आज करने वाले हैं कार कैंपिंग, वो भी 12 घंटे के लिए शमशान घाट में। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बने रहें आप इस पर। फिलहाल वहाँ से हम लोग आ चुके हैं और वहाँ मुर्दा भी जल रहा है, चिता जल रही है। तो गाड़ी हमने यहाँ लगा दी है और ये सेटअप, ये लोकेशन थोड़ी हमें अच्छी सी लग रही है, सुंदर सी। इस लोकेशन पे हम अपनी टेबल लगाते हैं जो कि हमने नई परचेस करी है। और दोस्तों आपको शायद वो टेबल और जो हमारा सेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो जल्दी से निकालते हैं अपना सामान। ये नया गैजेट है हमारी कैंपिंग के लिए और इसको लेके चलते हैं और इसको यहाँ पे पिच करते हैं और बैठ के कुछ इंजॉय करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का। यहाँ सही है फौजी भाई? ओके बिल्कुल। आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि जैसे एक ये बुलेट प्रूफ सील टाइप जो होता है ब्रीफकेस, वो जो बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाता नहीं, है नहीं, इसमें हम लेके आए वो राइफल टाइप की होती है ना फौज में। यस यस, ये स्नाइपर गन नहीं है गाइस, ये है। ये देखिए इसको ऐसे करेंगे हम, बढ़िया, यहाँ और इसको ऐसे लॉक कर देंगे। अच्छा
अच्छा इसके लॉक है। यस, इसके काफी सारे बेनिफिट है। पहला जैसे ये हो गया ना, हम इसको ऐसे करके ना ऐसे इसकी टेबल बना सकते हैं, देखिए, और इस पे हम आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है। आहा, मजा आ गया। और हमें इसका टेबल तो बनाना नहीं है, अब हम इसको ऐसे करते हैं, करने के बाद ये अब उधर का खोलो गुप्ता जी, आराम से नीचे से, अरे ये उठाओ, ये 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 उठेगा, ये तो बहुत इजी है इसको खोलना, सेटअप जमाना इसका। ये देखिए ऐसे लगाओ गुप्ता जी, ये इस तरीके से ठाक के रखो, उठाओ ये बस। और इसका अभी एक चीज और है जो गोवा बीच की फीलिंग देगा। अरे अच्छा, वो है इसका जमजम जमजम, यस अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो दोस्तों देखो, प्रॉपर गोवा बीच बना दिया हमने गंगा किनारे को, और चैलेंज तो हमारा हॉन्टेड वा होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम आपको फुल एंजॉय करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग धूप में जाते हैं पार्टी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो छाया तो चाहिए चाहिए ना। बिल्कुल, लगाओ गुप्ता जी इसको, हमारा लगाओ, खोल लो इसके। हाँ हाँ, इसे गाड़ दो, कहीं उड़ ना जाए। नहीं रुको, इसको ऐसा करो, बस बस बस, ओके, तो गाड़ने की जरूरत नहीं है, बेस्ट है। तो बताइए गाइस कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है। दोस्तों ये चीज तो मतलब बिल्कुल यूनिक होने वाली है, थोड़ा सा मैं क्लोज से दिखाता हूँ आपको। सो देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है, और बिल्कुल गोवा बीच वाली फीलिंग आ रही, देखिए इस पे ट्रीज भी बने हुए हैं, पाम ट्री बने हुए हैं, और अभी फौजी भाई बैठे हुए हैं, ये देखिए चारों तरफ से लुक देखिए, 360 डिग्री व्यू आपको दिखाया जा रहा है। और ये टेबल जो है हम लोगों को देखते ही पसंद आ गई थी, और इसको खरीदना हमारा एक मेन मोटो बन गया था। यहाँ हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है, और फिलहाल फौजी भाई बैठे हुए। तो दोस्तों ऐसे जब गैजेट होते ना कैंपिंग में, तो औसम मज़ा आता है कैंपिंग करने का, और इन सबको करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगता है, टाइम लगता है, पैसा लगता है। आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं, अगर बारिश पड़े, अजीब मौसम सहन चा, बारिश के दिनों में ना, ये देखिए गाइस, इसको आप ऐसे भी ले जा सकते हैं, अगर बारिश पड़ रही है, इसको आराम से दो बंदे कवर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दो नहीं पांच छह हो जाएंगे मेरे भाई। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा। तो दोस्तों ये तो फन का पार्ट था, लेकिन अब हम यहाँ पे जल्दी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम फिलहाल अपना क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक लाए हम। तो दोस्तों आज चिल मारते हैं थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है, मौसम में चेंजेस आ गए हैं, तो कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स वगैरह हम खाते हैं, और फिर निकलते हैं शमशान घाट के लिए, क्योंकि शमशान घाट पे देखिए आपको दूर दिख रहा होगा, मैं दिखा दूँ यहाँ, ये देखिए चिता जल रही है, और चिता जलने में करीब चिता जलने में 2-3 घंटे लगते हैं, और उसको ठंडी होने में भी 1-1.5 घंटा लगता है, तो तब तक हम यहाँ पे थोड़ा चिल करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे उसके बाद। तो अपना अब आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और थोड़ा बहुत स्नैक्स। हाँ लो गुप्ता जी, दोस्तों गोवा की फीलिंग जो आती है ना, वो हमें यहाँ पर आ रही है, क्यों फौजी भाई? फुल। देखो दोस्तों ऐसा होता है कि हम दिल्ली में रहते हैं, इतनी दूर रहते हैं गोवा से, गोवा नहीं जा सकते, लेकिन गोवा की फीलिंग तो ले सकते हैं। कम से कम पैसों में बढ़िया काम तो कर सकते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक हो गई है, कुछ स्नैक्स भी है इसमें, स्नैक्स लेते हैं साथ में, और इससे ज़्यादा क्या मज़ा हो सकता है। चीयर्स करो फौजी भाई, चीयर्स। आप सोच रहे हैं स्टील के कप में ये लोग गिलास में कोल्ड ड्रिंक को पी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है गाइस, कांच के बर्तन ला सकते हैं हम, जो कांच के यूटेंसिल होते हैं, लेकिन उनको लाना बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो टूट जाते हैं रास्ते में, क्योंकि आप कैंपिंग में जानते हैं आप लोग कैसे कैसे हम सामान को कैरी करके लाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल कोई नहीं, इससे ही अपना काम चलाएंगे, और साथ में है ये मटरी। तो चीयर्स करके बड़ा ही मजा आया, जो कोल्ड ड्रिंक और इसका मटरी का स्वाद है ना, अल्टीमेट है। ऐसा होता है दोस्तों, कहीं पे आप बैठ के इस टाइप की कैंपिंग कर रहे हैं ना, और कुछ खा रहे हैं, तो उस खाने का मजा फौजी भाई दुगना हो जाता है। नहीं हम घर में ही बैठ के खाएंगे ना, हमें लगेगा क्या खा रहे हैं हम यार, लेकिन यहाँ बैठ के जो खा रहे हैं ना, अल्टीमेट मजा है। तो खाते हैं दोस्तों यहाँ पे, और इसके बाद निकलते हैं, और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, शूट करते हैं आगे, क्योंकि हमारा चैलेंज भी
अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो हम जस्ट फन कर रहे हैं। इसका फन के बाद जो थ्रिल होने वाला है वो तो अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल का थ्रिल है दोस्तों। आज शमशान घाट के अंदर जो 12 घंटे हम बिता के आपको दिखाएंगे ना, ऐसा बहुत ही कम यूट्यूबर्स ने किया है, जिनमें से हम एक होने वाले हैं। तो जल्दी से कोल्ड ड्रिंक को करते ख़त्म और वेट करते हैं चिता ठंडी होने का थोड़ा सा, तब हम वहाँ उसके पास चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो टाइम हो चुका है वो 9:48 हो चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए 9:48 हो रहा है, 9:47 इसमें दिखा रहा होगा, 9:48 इसमें दिखा रहा है। तो दोस्तों 9:45 हो चुके हैं, बट चिताएं जो है ना आए जा रही हैं। मतलब रात को वैसे चिता जलाते नहीं है, लेकिन फौजी भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ इतनी चिताएं क्यों जल रही हैं। भाई ऐसा होता, कुछ बॉडी ऐसी होती है जो लेट हो जाते हैं, लोग कहीं बाहर जाते हैं लेकिन एक दो दिन उनके घर रखे हुए होते हैं ना, तो ज्यादा दिन बॉडी को घर में भी नहीं रख सकते ना यार। ऐसे तो हॉन्टेड चैलेंज होने वाला नहीं है, करेंगे बस चलो आगे देखते हैं, और आधा एक घंटा करेंगे भाई। दोस्तों एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं शमशान घाट की तरफ, वहाँ दिखाते हैं आपको कि हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, कि चिताएं जल रही हैं या नहीं जल रही हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर जल रही होगी तो हम कुछ खाने के लिए भी बनाते हैं, कुछ भूख लग रही है बहुत जोर से, हल्का फुल्का कुछ बना के खाते हैं, तब तक शायद चिताएं जल जाएंगी। हम थोड़ी सी गाड़ी को दूर खड़ी कर लेंगे, एक काम करते हैं ना, पर्टिकुलर उस जगह पे नहीं लगाते, और उसके बाद जब वो चिताएं ठंडी रहेगी तब चलेंगे, रहना तो गाड़ी में ही है, गाड़ी यहीं से खाना थोड़ा पहला बना लेंगे अपना, ठीक है फुल्का ना, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों अभी देखो रात का समय है और कितना भयंकर नजारा है, ये देखिए मैं गेट खोल के दिखाता हूँ आपको, कुछ नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, कुछ नहीं दिख रहा होगा, नथिंग टू सी। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और आगे के लिए चलते हैं, देखते हैं कि चिताएं जल रही हैं या बुझ गई हैं। हम कई बार देख के आ चुके हैं लेकिन मतलब कुछ समझ में नहीं आया, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। वो कौन सा जानवर भाई सामने? गिद्दड़ है, गिद्दड़ गिद्दड़ देखिए गाइस, गिद्दड़ भी जा रहा है सामने, वो भाग गया। देखो अभी चिता जल रही है, आदमी नजर आ रहा है ना गुप्ता जी? हाँ आदमी है ये देखिए फ्रेंड्स। दोस्तों देखिए हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, अब यहाँ पे आप बताइए हम कार कैंपिंग आप लोग कैसे करें, यकीन नहीं मानते ना। ये देखिए कितने लोग खड़े हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है, अभी तक चिताएं भी जल रही है देखो, और साइड में आपको आग नजर आएगी, देखिए वो सामने यहाँ चिता जल रही है। गौर से देखिए दोस्तों कि आग भी दिख रही है आपको। चलो इधर लो गुप्ता जी, इधर देखिए कितने लोग हैं गाइस, इधर भी इधर लो, इधर गुप्ता जी इधर, और यहाँ ट्रैक्टर भी खड़े हैं ये देखिए पूरा, हम लेकिन आगे नहीं जा सकते। तो दोस्तों आपने देखा कि वहाँ पे कितने लोग खड़े हैं और चिताएं अभी भी जल रही हैं, बल्कि 2-3 चिताएं जल रही हैं अभी तो, और कोई सरदारजी ज़्यादा लोग खड़े थे सरदार कम्युनिटी के, तो गाइस इसलिए उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं है। फौजी भाई एक काम करते हैं, कुछ बना लो यार, खाने को बना लो यार, इधर लो इधर है ना, खाना वाना बनाते हैं और फिर कुछ करके अपना वहीं चलेंगे, वहीं बैठेंगे फिर, क्योंकि खाना वहाँ तो हम खाना बना नहीं सकते, नहीं नहीं है ना, रुकना सही भी नहीं है, देखा नहीं आपने कितने लोग खड़े हैं। तो चाहे रात के 12 बजे चैलेंज चालू हो, बस बस आज करना है, नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे लगता है। हाँ क्योंकि अब रात ज्यादा हो गई ना, 10 तो बजी गए ऑलमोस्ट। तो दोस्तों जल्दी से कुछ खाने को बनाते हैं साइड में गाड़ी लगा के, फिर आगे आपको लेके चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने सेटअप कर लिया है गाड़ी का, और यहाँ पे गाड़ी में हमने किचन का सेटअप भी कर लिया है, देखिए फ्राई पैन है, चूल्हा है, टेबल है, और ये फौजी भाई बैठे हैं, फौजी भाई बनाएंगे, क्या बना रहे फौजी भाई? मैगी। ओके, ज्यादा कुछ नहीं बना रहे, हल्का फुल्का मैगी बनाएंगे खाएंगे। तो चैलेंज हमारा चालू हो चुका है, इसीलिए तो एडवेंचर है, ये चैलेंज चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है, अब गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे, अब गाड़ी के अंदर ही चैलेंज है, चैलेंज शुरू हो तो आधा घंटे से ऊपर हो गया। ओके, तो दोस्तों हमारा चैलेंज चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और टाइमिंग तो दिखा दो यार। टाइम की बात करें गुप्ता जी, टाइम हो चुके हैं 10:35, तो आधा घंटा शुरू हो चुका है हमारा चैलेंज शुरू हुआ। तो दोस्तों आधा घंटा हमें हो गया है, हमारे चैलेंज स्टार्ट हुए 10 बजे, हमने चैलेंज स्टार्ट किया था, कल सुबह मॉर्निंग में 10 बजे खत्म करेंगे, और शमशान के पास ही हैं हम, दूर नहीं है, बस यहाँ पे मैगी बना के और थोड़ा सा नजदीक जाएंगे बाद में। तो गाइस जल्दी से बनाते मैगी, खाते हैं और फिर चलते हैं शमशान में चिता के पास। मैगी फिनिश हो गई है, बहुत टेस्टी बनाई थी फौजी भाई ने, और फौजी भाई पानी पियोगे? नहीं नहीं पानी पानी पी लो थोड़ा, नहीं अब सीधा लोकेशन पे पहुंचो,
नहीं मैं किस लिए कह रहा हूँ पानी पी लो पेशाब है नहीं पानी वानी भी पियेंगे ऐसा कुछ नहीं है गाइस, अपने आप को ना इतना भरोसा है कि मैं दो दिन बिना पेशाब करे रह सकता हूँ। अच्छा जी यस वो ग्लेडर ग्लेडर वगैरह उसकी दिक्कत कोई नहीं क्योंकि बॉडी को इतना आदत है पानी एग्जॉस्ट करने की। इनको तो आदत होगी फौजी भाई को लेकिन अपने को नहीं है। देखते हैं मैं कैसे सरवाइव करता हूँ क्योंकि फौजी भाई को तो बॉर्डर पे खड़े होने की आदत है, अपने को नहीं है मेरे भाई। तो गाइस मैगी फिनिश हो गई है और फिलहाल अब चलते हैं जहाँ पे चीता चल रही थी वहीं चलते हैं, वहीं गाड़ी लगाएंगे और आराम से वहीं पे सोएंगे, थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे लाइव वगैरह आएंगे और घर भर में बात करेंगे फैमिली से। तब तक देखते हैं कि कोई ऐसा हॉन्टेड और शमशान वाला ऐसा कोई रिएक्शन हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए गाइस जल्दी से चलते हैं और चिता वाली जगह पे शमशान घाट के बिल्कुल गेट पे। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ से निकल चुके हैं और जा रहे हैं जहाँ पे चिताएं जलती हैं वहाँ पर बिल्कुल शमशान के गेट पे ही, जहाँ तक हमारी गाड़ी जा पाएगी वहाँ तक हम लेके जाएंगे। और अभी टाइम जो हो रहा है 10:56 यानी 11 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो दोस्तों चैलेंज हमारा स्टार्ट है, हम गाड़ी से उतरेंगे नहीं बिल्कुल भी और 10 बजे से हम गाड़ी में बैठे, 1 घंटा हो गया है हम गाड़ी में बैठे और 1 घंटे में हमने मैगी वगैरह खा के अपना डिनर कर लिया। तो चलिए जल्दी से वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं कि शमशान घाट पर रात में क्या होता है। शमशान घाट पर पहुँच चुके हैं, उसके गेट पे आप सामने देख रहे होंगे ये सामने शमशान घाट है और इधर टॉर्च माना ये देखिए ये लकड़ियाँ वगैरह पड़ी सब शमशान घाट की लकड़ियाँ हैं और आपको दूर दूर तक जितना भी दिखेगा सब यहाँ पे शमशान घाट है। और अभी तो किसी के टॉर्च में ना सामने डिब्बा सा रखा है, देखिए वह किसी का डिब्बा भी वहाँ पड़ा हुआ है जो अभी मुर्दे के साथ आया था उनका रह गया शायद किसी का। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं है, बहुत थक चुके हैं, बहुत वेट किया है तो खाना वाना हो गया, डिनर वनर हो गया, अब हम यहीं पर सोएंगे पूरी रात। और रात में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे लगता है कि कोई ऐसी स्प्रिट या भूत या आत्माएं आसपास हैं हमारे तो हम आपको उस कैमरे में रिकॉर्ड करके जरूर दिखाएंगे। तो गाइस अभी फिलहाल रखते हैं और सोने का सेटअप करते हैं और सोते हैं। भौजी भाई हाँ भौजी भाई हाँ क्या हुआ भाई, आवाज कैसे आ रही है? ऐसा लग रहा है गाड़ी के ऊपर कोई बैठा हुआ है यार। लाइट जला, लाइट लाइट जला भाई, ये देखो क्या हो गया गाड़ी के छत पे ऊपर जी। लाइट भाई भाई लाइट चल भाई भाई, मेरे को लग रहा है गाड़ी के ऊपर कुछ है यार। क्या है भाई? मैं टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखो भाई, तुम तो यार गुप्ता जी मर जाओगे। 12 बजे पूरे 12 बजे गाइस देखिए 12 बज रहे हैं गाइस, पूरे 12 बज रहे हैं और पूरे 12 बजे ओ माय गॉड। शांति रखो भाई, ये तो पंगा हो गया यार, कोई चीज हमें परेशान कर रही है कोई ना कोई चीज। कैसे आ रही है परछाई सी दिख रही है किसी की, परछाई सी दिख रही है यार। एक तो वो भी ना माना टॉर्च माना और टॉर्च भी नहीं आ रही भाई, फॉग जम गया, फॉग जमा पड़ा है ऐसे चल के गया है और कोई अभी किसी ने शीशे पे भी नॉक किया है, अब पता नहीं कोई आदमी है। आप देखिए मैं देखता हूँ दिखाता हूँ आपको, कुछ ना कुछ तो है मेरे भाई, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। देखिए दोस्तों कोई छत पे क्या भाई, देखो दोस्तों देखो फिर से आवाज आई, ऐसा लगता है कोई कोई नॉक कर रहा है, कुछ कर रहा है। डरना नहीं है, ध्यान रखो। नहीं कुछ नहीं साला, अरे एक काम करो, वो नहीं माचिस, माचिस से जला नहीं सकते गाड़ी के अंदर, चाकू नहीं, चाकू चाकू तो रख रखा है, रखा मेरे खिलाने के लिए रखा है तो चाकू निकालो। तो दोस्तों हम इस चीज को मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्या कहते हो फौजी भाई, चले गए यहाँ से?
देख लो यार निकलते नहीं भाई, ऐसे जाने में कोई फायदा नहीं भाई, चैलेंज करने के लिए है क्या यार? एक काम करो, बैठ के हनुमान चालीसा करो। मेरे तो आंसू भी आ गए। अगर यहाँ ज्यादा दिक्कत होगी ना, अगर ये चीज ज्यादा परेशान करती है, नेगेटिव एनर्जी, ये भूत है, पक्का है भाई, है क्योंकि मेरे को ना अंदर से फीलिंग आ रही है। सर में पूरा सर में दर्द हो रखा है मेरे, खुद हो रहा है ये नेक और ये सर पूरा, आंखों में जलन हो रही है, बड़ी मुश्किल से नींद आई है, बड़ी मुश्किल से सोया था मैं, और आंखों में पूरी जलन हो रही है और पूरे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि दिन में जब से हम आए हैं हमने यहाँ पांच चीजें जलती हुई देख ली, कितनी नेगेटिव एनर्जी है पूरे दिन। तीन तो एक संग देखी, दो और एक सात देखी टोटल, ठीक है, तो पूरे दिन में कितनी चिता यहाँ जलती है, वो सारी निगेटिव एनर्जी यहीं पे रहती है। अब हम आने वाले टाइम में वो डिवाइस और लेंगे जिससे निगेटिव एनर्जी को, अच्छा जो स्केच कर सकते हैं, यस, तो वो भी लेंगे जल्दी। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए तो वो लेंगे जब लेंगे, लेकिन अभी तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, ये कोई चीज हमें परेशान कर रही है। डर रहो मत, बैठे रहो, कोई चीज ज्यादा परेशान करती है, चैलेंज जब तक हो रहा है करो, नहीं तो अपनी गाड़ी में सेल्फ मारो और निकल जाओ। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल जायज है कि देखो जान प्यारी है बस, और देखो हम हर चीज से लड़ सकते हैं, जान रहेगी तो अगली बार फिर भूतों से नहीं लड़ सकते, भूतों से हम बिल्कुल नहीं लड़ सकते। और ये जो धीरे के देख आवाज आ रही है, फौजी भाई आवाज आ रही है, किसी की रोने की भाई कसम से, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, मनी मन में हनुमान चालीसा पढ़ो और सो जाओ। दोस्तों ये लाइट बंद कर रहे हैं, हमें हमें गारंटीड है कि यहाँ पे कोई ना कोई भूत है और ऐसी आत्मा आत्मा है जो कि हमें परेशान कर रही है और हमें सोने नहीं दे रही है। तो गाइस हम लाइट बंद करते हैं और मिलते हैं आपसे सुबह। तो दोस्तों 10 बज चुके हैं और हमारा चैनल कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए, अरे दिख ही नहीं रहा, अरे इधर दिखाओ गुप्ता जी, यार 10 o'clock पूरे 10 बज चुके हैं गाइस, पूरे 10 बज चुके हैं। तो हमारा चैलेंज कंप्लीट हो गया है दोस्तों, कंप्लीट हो गया है, अब हम गाड़ी से उतर सकते हैं। बहुत ज्यादा परेशान आ रहा है मेरे को तो, बहुत देर से अब मेरे से जहन नहीं हो रहा, मैं उतर रहा हूँ। और दोस्तों उतर के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि रात में आपको शमशान का पता नहीं लग पाया था, अब दिखाते हैं आपको एक्चुअल चीज। तो दोस्तों फिलहाल सबसे पहले आप ये देखिए, कुछ कपड़े वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये कपड़े जो है सब मरे हुए लोगों के हैं, और ये देखिए जो लोग मर जाते हैं उनके कपड़े यहाँ पर ये लोग फेंक जाते हैं, ये देखिए ये सब कपड़े पड़े। और अभी मैं दिखाता हूँ जहाँ पे चिताएं जो जलती हैं, वो भी एरिया आपको दिखाता हूँ। फौजी भाई यही है ना सारा पूरा एरिया? यस यस, ये देखिए दोस्तों मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, ये जितनी भी आप लकड़ियाँ वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई देख रहे हैं, ये सब चिताओं की जो बची हुई लकड़ियाँ होती है वो है। और ये देखिए किसी ने यहाँ गोरी ने जादू टोना टोटका भी कर रखा है, ये वाइट वाइट जो पोर्ट मजा, नहीं आगे नहीं जा रहा बस यहाँ से, ये देखिए ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। कोयले चाहिए क्या गुप्ता जी, कोयले तुम्हें? अरे यार फौजी भाई आपको मजाक लग रहा है, फौजी भाई कह रहे हैं बारबेक्यू के लिए कोयले बहुत सारे हैं, बट ये मजाक कर रहे हैं, ये सब जो चिताएं जलती हैं उसका कोयला पड़ा है, ये देखिए ये बारबेक्यू आप बढ़िया सर एक कर सकते, जलेंगे भी बहुत अच्छे से कोयला, इसका बनाएंगे हम बारबेक्यू, भूत हमारा बारबेक्यू कर देगा, पनीर टिक्का बना लो इस पे। तो दोस्तों लोकेशन बहुत ही ज्यादा भयंकर थी रात को, और रात को छत के ऊपर न जाने कौन सी चीज थी, और कभी बवाल था, कुछ बवाल वो समझे नॉक भी कर रहा था कोई शीशे के ऊपर टक 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 बार बार, ऐसी लोकेशन पर रुके हो भाई, यहाँ डेली की 10-10 चिताएं जल रही है, थोड़ी बहुत देर में कोई ना कोई आने वाला है, मुर्दा हाँ आ जाएगा अब तक तो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है अभी बिल्कुल। तो ऐसी जगह आप रुक रहे हो तो भाई निगेटिव एनर्जी की तो बात खत्म ही करो, भूत रियल में कहूँ तो यहाँ भूत, जब आत्माएं यहाँ रहती है, क्योंकि दिन में 10-10 मुर्दे जल रहे हैं, अकाल मृत्यु भी है, आत्महत्या भी है, तो वे लोग भटकते हैं, तो और इससे ज्यादा क्या एडवेंचर होगा, क्या रिस्क होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये सारी लकड़ियाँ जो इतनी हैं, ये पूरा एरिया शमशान घाट का है, और यहाँ पर जितने भी आस जो गांव वाले हैं यहीं पर अपनी जो मुर्दों को यहीं पे जलाते हैं। तो दोस्तों ये चैलेंज आपको समझ में आ गया होगा कि रियल हॉन्टेड चैलेंज था, और जो कि 12 घंटे हमने गाड़ी में बिता के बिना सुसु पोटी जाए और बिना कुछ एक्शन बिना सुसु पोटी जाए इस चैलेंज को कंप्लीट किया है।
तो दोस्तों ऐसे चैलेंज के लिए आगे भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अगर अच्छी लग रही तो लाइक करें और शेयर भी करें। और दोस्तों ऐसे नए नए एडवेंचर आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। ये पीछे गंगा नदी और शमशान घाट है जिसपे हमने 12 घंटे रात को बिता दिए। तो दोस्तों नेक्स्ट एडवेंचर के लिए चलते हैं, निकलते हैं और एक नई वीडियो के संग मिलेंगे आपको बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।